नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। पेश है अभी तक की पांच बड़ी खबरें। विजयन ने कहा कि केरल में 10वीं तक मलयालम शिक्षा अनिवार्य। मिस्र की संसद ने 3 महीने आपातकाल को मंजूरी दी। मोदी ने कहा कि हनुमान की तरह काम करे भाजपा सांसद। एसीबी प्रमुख के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका खारिज। बंगाल में सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मंगलवार को कहा कि राज्य के 10वीं कक्षा तक सभी स्कूलों में मलयालम अनिवार्य होगा। इस आशय के एक अध्यादेश पर पहले ही केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम ने हस्ताक्षर कर दिया है। नए कानून में यह भी कहा गया है कि यदि स्कूल अधिकारियों द्वारा इसे लागू नहीं किया जाता तो उन पर 5,000 रुपए जुर्माना सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मिस्र की संसद ने देश में 3 महीने आपातकाल को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इसके 2 दिन पहले 2 चचेरे में हुए बम विस्फोट में कम से कम 45 लोग मारे गए थे। मंत्रिमंडल ने सोमवार को आपातकाल की घोषणा की, जो अपराह्न 1 बजे से प्रभावी हो गया था, लेकिन संविधान के अनुसार उसे संसद की मंजूरी आवश्यक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को संबोधित करने के दौरान बजट सत्र के सफल होने पर संतोष जाहिर किया और इसे बहुत सार्थक और उपयोगी बताते हुए सांसदों को सलाह दी कि वे सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान हनुमान की तरह काम करें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भ्रष्टाचार रोधी शाखा के अध्यक्ष मुकेश कुमार मीणा के खिलाफ दिल्ली की आप सरकार की अदालत की अवमानना वाली याचिका खारिज कर दी। दिल्ली सरकार ने अदालत के आदेश का पालन न करने और कानून के अनुरूप कार्य न करने का आरोप लगाते हुए मुकेश कुमार के खिलाफ याचिका दायर की थी। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते में वृद्धि सहित 13 सूत्री मांगों के समर्थन में राज्य सचिवालय तक विरोध रैली निकाली। पुलिस ने हालांकि प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से काफी पहले ही सड़क पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया।